बच्चों को स्कूल भेज, पतिदेव को ऑफिस विदा कर, घर का काम निपटा कर, मैं नहा धोकर एक कप चाय लेकर लॉन में आ बैठी। जनवरी की सुबह की सुनहरी धूप बड़ी अच्छी लग रही थी। पिंकू के लिए स्वेटर बुन रही थी, उसका गोला भी हाथ में था। इतने में पड़ोस की नीता आती दिखाई दी। हम आ जाएं भाभी, बोलती हुई वह गेट खोलकर अंदर आ गई। मैं भी उठने का उपक्रम करते हुए बोली, अरे आओ नीता। नीता को मालूम है कि इस वक्त मैं खाली होती हूँ, इसीलिए जब भी कभी आती है इसी वक्त आती है। नीता तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय बना लाऊं। कहते हुए मैं उठ ही रही थी कि उसने हाथ पकड़कर बैठा लिया। बोली, भाभी बिल्कुल इच्छा नहीं है। नीता बहुत बेचैन सी लग रही थी। मैं भी उसकी इस बेचैनी का कारण पूछे बिना नहीं रह सकी। वैसे तो जब से वो शादी के बाद आई है मुझसे इतनी घुल मिल गई है कि हम दोनों ही अपने मन की बातें एक दूसरे से करती रहती हैं। पड़ोस में ही अग्रवाल आंटी रहती हैं, उनके बच्चे भी मुझसे काफ़ी खुले हुए हैं, ख़ास तौर से छोटा वाला आंसू। जब आंशू की शादी हुई तो आंटी ने काजल डालने की रस्म मुझसे ही करवाई और बड़ी भाभी होने का नेक भी दिया। मुंह दिखाई की रस्म के दिन जब मैंने नीता के हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट रखा तो आंटी के कहने पर उसने मेरे पैर भी छुए। तब मैंने ही कहा था, आंटी प्लीज़ इसे मैं अपने पैर नहीं छूने दूंगी, इसे तो गले से लगाऊंगी। मुझे तो इसे देखकर अपनी छोटी बहन की याद आ गई। उस दिन के बाद से हमारे बीच एक अजीब सा रिश्ता पनप गया। कहती तो वो मुझे भाभी थी पर मानती बड़ी बहन की तरह थी। शुरू शुरू में नए घर परिवार में सामंजस्य बिठाने में तकलीफ आती है। मैं भी गुजर चुकी थी उस दौर से, अतः मैं हर बात की सीख छोटी बहन के नाते से उसे देती। धीरे धीरे वह घर में घुल मिल गई। हमारे रिश्ते और गहरे होते चले गए। बड़ी बहुएं अपने अपने घर जा चुकी थीं क्योंकि दोनों बड़े भैया बाहर नौकरी करते थे। आंशु माँ के साथ रहता था, अतः नीता को ही घर संभालना था। नीता इस बीच प्यारी सी बेटी की माँ बन गई। अब तो वह घर परिवार में बिजी हो गई, फिर भी टाइम निकाल कर कभी कभी आ जाती। अग्रवाल आंटी और नीता दोनों में काफ़ी पटती थी, अतः घर का वातावरण काफ़ी खुशनुमा रहता था। नीता को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वह एक बच्चे की माँ है। गोरा रंग, पतली छोटी सी नाक, बड़ी बड़ी बोलती आँखें, घने काले बाल, अच्छा कद, कुल मिलाकर ऐसा लगता मानो अप्सरा ही पृथ्वी पर उतर आई हो। मैं तो आंसू से कभी कभी मजाक में कहती, तेरे जैसे लंगूर को यह हूर की परी कैसे मिल गई। इस पर वह, भाभी आप भी, कहकर रह जाता। बेटी भी माँ पर गई थी, बिल्कुल गुड़िया सी। भाभी आज हम काफी तनाव में हैं, पर कैसे कहें सारी बातें, समझ नहीं आ रहा। आप भी न जाने क्या सोचेंगी सुनकर हमारे बारे में। अरे पगली, ऐसी भी क्या बात हो गई? क्या आंशू से लड़ाई हो गई या आंटी से कुछ कहा सुनी हो गई? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी आप कसम खाइए, किसी से कुछ नहीं बताएंगी, यहाँ तक कि भाई साहब से भी नहीं। लो तुम्हारी कसम खाती हूँ, अब तो बोलो ऐसी क्या बात हो गई। मेरा यह कहना था कि उसका रोना शुरू हो गया। मैं दंग रह गई, ऐसी क्या बात हो गई? अभी तक कभी मैंने उसे इतना बेहाल नहीं देखा था। मेरे चुप कराने पर, सांत्वना देने पर उसने जो कुछ बताया चुपचाप सुनती रही मैं। भाभी बात हमारी शादी के पहले की है। हम गर्मी की छुट्टियों में अक्सर मम्मी के साथ अपनी नानी के यहाँ जाया करते थे। हम भाई बहन, हमारे मामाओं के बच्चे सब हमउम्र होने के कारण आपस में काफी घुल मिल गए थे। हमारे मंझले मामा जी का बेटा तुषार उम्र में हमसे साल भर बड़ा है। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई। शुरू शुरू में हमने कोई ध्यान नहीं दिया कि वो हमसे इतना ज्यादा खुला हुआ क्यों है, लेकिन बाद में आभास हुआ कि उसके मन में हमारे लिए कुछ और ही भावना थी। उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि हम भी उसके प्रति आकर्षित होते चले गए। पिक्चर जाना, घूमना फिरना, घंटों बातें करना, ये सब हमें और करीब लाता गया। उम्र के उस मोड़ पर भावनाओं की रौ में बहकर हमने ऊंच नीच का ख्याल नहीं किया। हमारी नानी कभी कभी हमारी मम्मी से कहती भी थीं कि इस तरह इनका ज्यादा मेलजोल ठीक नहीं। तब मम्मी कहती, माँ आप अब पुराने जमाने की हो गई हो, आजकल के बच्चे अपने हमउम्र भाई बहनों के साथ दोस्त सा व्यवहार करते हैं, आपकी ये चिंता बेकार की है। इस पर नानी भी चुप हो जातीं। काश उस समय नानी की बातों पर मम्मी ने ध्यान दिया होता। उम्र के उस नाजुक मोड़ पर जो रिश्ते बने उनकी नैतिकता का आभास हमें तब हुआ जब तुषार हमारे लौट जाने पर भी हमें पत्र लिखता, घंटों फोन पर अपनी भावनाओं का इजहार करता।
हमारी शादी पक्की हो जाने पर उसके आक्रोश भरे पत्र आने लगे। हालांकि उसकी शादी हमसे पहले ही हो गई थी और वो दो बच्चों का पिता भी है, पर हमारी तरफ उसका आकर्षण बना रहा। हमने उसे पत्र लिखने, फोन करने के लिए मना किया तो वो हमें ही दोषी ठहराने लगा कि हमने उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। भाभी, हम मानते हैं कि गलती हमारी भी थी, जो हमने उसको अपनी ओर आकर्षित होते देखकर भी खुद सचेत होने की बजाय उसके आकर्षण में बह गए। हद तो ये है भाभी कि वो अब हमारे यहाँ भी फोन करने लगा है। हमने उसे फोन करने से मना किया तो उल्टी सीधी बातें करने लगा। अब तो हमारी हालत ये हो गई है कि अपने की पर पछतावा होता है, साथ ही यह डर भी लगा रहता है कि आंशू और मम्मी जी को पता चलेगा तो क्या होगा। भाभी, हम तो शर्म से डूबकर मर ही जाएंगे। आंशु इतने अच्छे हैं कि हमने उनके साथ ऐसा विश्वासघात किया, ये सोचकर ही हम बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अब कल ही की बात है, तुषार का रात को फोन आया था, फिर वही रटी रटाई बातें कह रहा था। इस पर हमने उसे बुरी तरह डांट दिया कि क्या तुमको ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? तुम्हारी बीवी है, बच्चे हैं, मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, क्या अब यह तुम्हें शोभा देता है? आगे फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर वह बेशर्मी से बोला, जरूर फोन करूंगा, एक बार नहीं बार बार करूंगा, बोलो क्या बिगाड़ लोगी मेरा। यह तो गनीमत थी भाभी कि उस टाइम तक ये ऑफिस से लौटे नहीं थे और मम्मी जी भी सो चुकी थीं। अब आप ही कोई रास्ता बताइए, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और फिर वह सिसक सिसक कर रो पड़ी। मैंने भी दुनिया देखी है, इतना लिखती पढ़ती हूँ, उसकी मनोव्यथा सुनकर समस्या का क्या निदान हो, ये सोचने लग गई। परेशान तो मैं भी हो उठी थी, नहीं चाहती थी कि कोई ऐसी घटना हो जिससे दो परिवार उजड़े। नीता तो रो रो कर बेहाल हो रही थी और मैं असमंजस की स्थिति में थी। उसे दिलासा दिया कि कोई न कोई उपाय जरूर निकल आएगा। चूंकि गलती नीता की भी थी, अतः मामला ज्यादा उलझ गया था। नीता तो पूरी बात बताकर चली गई, पर मेरा मन बहुत असहज हो उठा। सोचती रही कि इस समस्या का क्या निराकरण हो, पर कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। कहते हैं ना कि भगवान सारे दरवाजे एक साथ बंद नहीं करता, एक न एक दरवाजा तो खुला छोड़ ही देता है। हर भूल को सुधारने के लिए रास्ता भी वहीं सुझाता है। हुआ यूं कि ऑफिस के काम से आंशु को 6-7 दिनों के लिए टूर पर जाना था, पर सिर्फ आंशु के जाने से रास्ता निकल नहीं रहा था। इसी बीच अग्रवाल आंटी के सत्संग की स्त्रियां हरिद्वार जा रही थीं। आंटी की भी जाने की इच्छा थी, पर नीता अकेली रह जाएगी, यह सोचकर वह प्रोग्राम नहीं बना रही थी। तब मौके का फायदा उठाने के लिए मैंने आंटी को दिलासा दिया कि नीता की देखरेख मैं कर लूंगी। आंटी को मुझ पर पूरा विश्वास था, अतः उन्होंने निश्चिंत होकर प्रोग्राम बना लिया। आंशु और आंटी के जाने के बाद रात को सोने के लिए मैं उसके घर जाने लगी। पहली रात शांति से गुजरी। तुषार का फोन आने पर क्या करना था, यह हमने पहले ही सोच लिया था। भगवान ने हमारी जल्दी ही सुन ली। दूसरी रात तुषार का फोन आया तो नीता ने ही फोन उठाया। हालचाल पूछने के बाद कहा, तुषार, मम्मी जी यानी मेरी सासू जी तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। इस पर वह हकलाते हुए बोला, क्यों, आंटी जी को मुझसे क्या बात करनी है? वह आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही मैंने रिसीवर ले लिया। मेरी आवाज सुनते ही वह घबरा गया। मैंने कहा, बेटा, मैं नीता की सास ही नहीं, उसकी माँ भी हूं, और वह भी मेरी बहू नहीं, बेटी है। उसने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। अब जरा अपनी पत्नी को फोन देना, उसको भी तुम्हारी जलील हरकतों के बारे में बता दूं। इस पर वह माफी मांगने लगा, कहने लगा, आंटी, मैं कसम खाता हूं, आगे से नीता को परेशान नहीं करूंगा, मेरी पत्नी को पता चल गया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। वैसे ही वह बहुत शक्की स्वभाव की है, मेरी गृहस्थी उजड़ जाएगी, प्लीज आंटी ऐसा मत करना प्लीज। मैंने धमकाते हुए कहा, आगे कभी तुमने नीता को तंग करने की कोशिश भी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और मैंने फोन रख दिया। नीता सारी बातें सुन रही थी। अपनी समस्या का यूं समाधान होते देख खुशी के मारे रो पड़ी और मेरे गले लग गई। तब मैंने ही उसको प्यार से कहा, पगली, दुख में भी रोती है और खुशी में भी। जब तक ये तेरी बड़ी बहन कम भाभी तेरे साथ है, किसी दुख की छाया भी तुझ पर नहीं पड़ने दूंगी। अरे, यह तो अब जिंदगी भर तुमसे डरता रहेगा। ऐसे लोगों से निबटने का तरीका आना चाहिए। जिंदगी में भूल किससे नहीं होती, पर अपनी भूल का एहसास समय रहते ही कर लो तो नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। उस रात हम काफी देर तक बातें करते रहे।
नीता बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी। इतने दिनों के मानसिक तनाव के बाद अब वह काफी सुकून का अनुभव कर रही थी। मम्मी जी और आंशु के लौट आने के दिन करीब आ रहे थे। मुझे भी खनुशी थी कि समय पर ही सारी समस्याओं का अंत हो गया। इस घटना के बाद से नीता और मैं और करीब आ गए। आज नीता दो प्यारे बच्चों की माँ है। कभी कभी विचार आता है कि न जाने ऐसे कितने तुषार पैदा होते रहेंगे जिनके चंगुल में नीता जैसी भोली भाली बालिकाएं फंस जाती हैं। ऐसी स्थिति में ये फर्ज है हम बड़ों का कि अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करें, जीवन की ऊंच नीच समझाएं, रिश्तों के नैतिक मूल्यों का बोध कराएं। मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है और मैं काफी सचेत रहती हूँ। मेरी टोकाटाकी की आदत से कभी कभी वह कह उठती है, जनरेशन गैप मम्मी, जनरेशन गैप। पर जीवन के अनुभवों से जो देखा है वही संस्कार अपनी बेटी में डालने की कोशिश करती हूँ। चाहती हूँ कि उसे सही दिशा, ज्ञान और सही मार्गदर्शन मिले ताकि वह जीवन के मूल्यों का सही विश्लेषण कर सके और वही आगे आने वाली पीढ़ी को भी विरासत में दे सके। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।